हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सो फाइनली गाइज, ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है एंड आज के इस ब्लॉग में एक्चुअली मैं कहीं जा के ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही जगह खड़ा हूँ घर के पीछे एंड ये सब आप बगीचा मेरा देख रहे हैं। ओके, बिकॉज कि आज बारिश हो रही है। ओके, तो ब्लॉगिंग भी मैं एक्चुअली टाइम से दे नहीं पाया हूँ एंड ये शाम के टाइम में मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, शाम के टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं अपने खेत में खड़ा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो और जाओ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, एंड दोस्तों, अगर मेरी व्लॉगिंग आप लोगों को अच्छी लगती तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मेरी वीडियो देखा करो एंड लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार कर लो। मेरे भाई, कौन सा पैसा लग रहा है फ्री का सब्सक्राइब करना होता है? आप ही लोगों के प्यार से, आप ही लोगों के सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है कि हम लोग और भी अच्छी ब्लॉगिंग करें, और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग प्लेस पे आप जाएं एंड आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करें। बिकॉज कि ब्लॉगिंग भी करना कोई बहुत ही इजी वर्किंग नहीं है, बहुत ही टफेस्ट वर्किंग है, भी पता है ना आप लोगों को, कि लोगों के पब्लिक में जाना, ब्लॉग बनाना। और एंड फाइनली गाइज, गाँव में काफ़ी टफ वर्क है ये। लोग कहते हैं यार पता नहीं यार क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, इससे क्या होने वाला है, कुछ काम धाम है नहीं, बस वीडियो बनाने निकल गए हैं, वीडियो बनाने आता नहीं है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप ही लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ वीडियो बनाने से भी कुछ होता है। ओके, तो फाइनली गाइज, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देख सकते हो मैं जहाँ खड़ा हूँ, जस्ट ये मेरे घर के पीछे ही है, मेरा बागीचा है। ये एक दिन मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया ही था कि ये इसको बोलते हैं जो गन्ना होता है, उससे गन्ना को जब पेरा जाता है मशीन में तो ये निकलता है, जिसको जला के घर में चूल्हे वूल्हे में जलाया जाता है, जलाने के काम आता है। ओके, एंड मैं ये खेत में आया हूँ कुछ काम करने, ठीक है। काम इन द सेंस कि जो भैंस वगैरह, गाय वगैरह है, उन लोगों के लिए चारा वगैरह काटने आया हूँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। यही चारा है जो देख सकते हो, यही काटना होता है। एंड ये बागीचा है, सामने आपको दिख रहा होगा, ये आम का पेड़ है। ओके, एंड ये एक इंजन है पुराना सा। ओके, एंड नाउ ये आप देख सकते हो बगल में, ये लीची का पेड़, केला का पेड़ है, ठीक है। एंड ये मेरा ही खेत है, यहीं पे खड़ा हूँ, सोचा आज ब्लॉग नहीं बनाया है, बारिश हो रही थी तो चलो यहीं पे खड़ा होकर एक सिंपल सा ब्लॉग बना लेते हैं। ओके, तो गाइज आपको हो सकता है कि ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, बिकॉज कि आपने ये गांव वाला ब्लॉग देखा होगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल देसी ब्लॉग्स आप लोगों को नहीं मिलता होगा। एंड मेरे ही चैनल पे मैं ही इस टाइप्स के ब्लॉगिंग करता हूँ, एंड चैनल अभी नया है, इस वजह से ब्लॉगिंग थोड़ा सा अभी नया है, चैनल सर्च में भी नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। एंड मेरा टारगेट है कि मैं डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग बना के दूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं इसी खेत में खड़ा हूँ, ये खेत है मेरा, ठीक है। ये भैंस गाय के लिए चारा है, इसी को काटना है, ये देख सकते हो, इसी में काट के रखना है। इसको देहाती भाषा में इसको बोला जाता है खांची, इन द सेंस कि मतलब टोकरी है, और उसके बगल में हसिया पड़ा है जिससे हम लोग काटते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये मैं उठा रहा हूँ। ओके, एंड ये देख सकते हो इसी से काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है। तो यही हसिया है जिससे हम इसको काटेंगे एंड ले जाके रखेंगे, चारा मशीन में काटा जाएगा, गाय भैंस भूसे में मिला के इसको मिक्स करके खिलाया जाता है। तो बिल्कुल मैं गांव से बिलोंग करता हूं, इसी वजह से देसी ब्लॉग्स वगैरह देने की कोशिश करता हूं। एंड जो भी चीज़ें हैं मेरे यहाँ, मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग करना सीख रहा हूं। एंड आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरे ब्लॉगिंग्स पसंद भी आते होंगे, अच्छे भी लगते होंगे, बिकॉज कि मैं डेली आपको देता ही हूँ ब्लॉग, टाइम टू टाइम देता हूँ। एंड कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉगिंग करके दूं, ब्लॉग्स वीडियोस लाता रहूं टाइम टू टाइम। ओके, तो गाइज ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं, खेत में खड़ा होकर शूट कर रहा हूं, एंड अभी तक इस वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार, मुझे पता है कि आपने कर दिया होगा। ओके, तो ठीक है, अगर आपने कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जाओ कर दो, बिकॉज कि ये आपका चैनल सब्सक्राइब करना ही हम लोगों को इनकरेज करता है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने के लिए, और यही आप लोगों का एक प्यार बना रहे तो हम कहीं भी जाके ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये जो मैं शूट कर रहा हूँ बिल्कुल खेत में ही खड़ा होकर कर रहा हूँ, आप लोगों को ये सीन दिख रहा भी होगा, ये नज़ारा हरे हरे से हैं जो, ठीक है। ये चारा बोया गया खेत में और काफ़ी हरा सा ये आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, काफ़ी मज़ेदार ये ब्लॉग होने वाला है, तो इस ब्लॉग को एंजॉय करिए।
ओके, एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में। डेली ब्लॉगिंग मैं करता ही हूँ, आपको पता ही है, तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट प्लेस के साथ, नेक्स्ट गांव के कल्चर के साथ, देसी कल्चर्स के साथ। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।